महोबा जिले में पत्थर मंडी करवई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने शनिवार को लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बीते 2 साल से यूपी पुलिस को आईपीएस अफसर की तलाश थी। पाटीदार पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। अब उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए महोबा से लेकर प्रयागराज तक की पुलिस टीमें लगाई गई थी। एसटीएफ भी उनको पकड़ने में फेल रही। बता दें कि करबई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 7 सितंबर 2020 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। 8 सितंबर को वह गले में गोली लगने से कार में घायल अवस्था में मिले थे। इसके बाद पाटीदार के खिलाफ थाना करबई में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था। 13 सितंबर को रीजेंसी कानपुर में इंद्रकांत की मौत होने के बाद मामला हत्या में तरमीम किया गया था। इसके बाद एसआईटी ने जांच की और मामला भ्रष्टाचार और आत्महत्या के लिए उकसाने का पाया गया था। घटना के बाद आईपीएस पाटीदार फरार चल रहे थे, जिन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भगोड़ा घोषित होने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया। महोबा से लेकर प्रयागराज तक की पुलिस टीमें और एसटीएफ तक को लगाया गया। राजस्थान में लोकेशन मिलने पर कई माह तक पुलिस टीमें डेरा जमाए रहीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिले। इधर कोर्ट का दबाव बढ़ने पर निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने शनिवार को स्वयं ही कानून के हवाले कर दिया। अब मामले में आगे की कार्रवाई होगी। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार की तलाश में अन्य एजेंसियां ही नहीं बल्कि जोनल एसआईटी भी 2 साल तक शहर शहर घूमती रही। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक उसकी तलाश में दबिश दी जाती रही। पाटीदार पर दर्ज मुकदमे की विवेचना कर रही जोनल एसआईटी ने काफी हाथ पांव मारे, लेकिन नाकाम रहे। बिना गिरफ्तारी के ही चार्जशीट दाखिल करनी पड़ी। 20 अक्टूबर को जोनल एसआईटी गठित कर महोबा के क्रशर प्लांट कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना इसे सौंप दी गई थी। 2 सदस्यीय जोनल एसआईटी में प्रयागराज में तैनात रहे तत्कालीन एसपी क्राइम आशुतोष मिश्र को मुख्य विवेचक, जबकि आईजी रेंज केपी सिंह को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया था। एसआईटी तलाश में लगी रही, लेकिन पाटीदार का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उनसे भगोड़ा घोषित किया गया। इससे पहले कुर्की की कार्रवाई भी की गई, लेकिन सारी कवायद का नतीजा जीरो ही रहा। लगभग 2 साल तक धूल फांकने के बाद भी पाटीदार हाथ नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। विवेचना जोनल एसआईटी को सौंपने का निर्णय रेंज एसआईटी पर मृतक कारोबारी के परिजनों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद लिया गया था। गौरतलब है कि पहले विवेचना रेंज स्तर पर गठित एसआईटी कर रही थी। इसी दौरान मृतक कारोबारी के भाई और मुकदमावादी रविकांत त्रिपाठी ने पत्र जारी कर विवेचना में जुटी रेंज एसआईटी की मंशा पर सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि एसआईटी की मंशा आरोपियों को गिरफ्तार करने की नहीं है, जिससे पूरा परिवार बेहद निराश व डरा हुआ है। परिवार ने आईजी चित्रकूट रेंज से ये भी अनुरोध किया कि विवेचना अन्यत्र से कराई जाए। मामला संज्ञान में आने के बाद उच्चाधिकारियों ने परिजनों से बात की, साथ ही उनकी सहमति पर विवेचना जोनल स्तर पर एसआईटी गठित की गई थी। जोनल एसआईटी गठित होने से पहले मृतक क्रशर कारोबारी के भाई व मुकदमावादी की ओर से मीडिया को जारी पत्र में रेंज एसआईटी के विवेचक सीओ सदर महोबा कालू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि 17 अक्टूबर 2020 को उन्हें करबई थाने में बेवजह बुलाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के विषय में पूछने पर कहा गया कि पुलिस व बड़ा अधिकारी कभी गिरफ्तार नहीं होते। गिरफ्तारी के लिए दबिश की खबरों का हवाला देने पर कहा गया कि ये कागजी कार्रवाई है, चलती रहती है। वादी ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत आईजी चित्रकूट रेंज से भी की है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।